नमस्कार दोस्तों, वीपी स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 24 अगस्त 2019 है और मैं आज आपके लिए कल और आज दोनों दिन के प्रमुख करंट अफेयर के साथ हूँ। दोस्तों, करंट अफेयर का ये वीडियो जो आप देखते हैं वह रेलवे NTPC, रेलवे RRB, JEE, SSC, बैंकिंग व अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आप लोग करंट अफेयर का कोई भी वीडियो देखते समय अपना नोट जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि आपके एक करंट अफेयर की वीडियो से एक स्टैटिक GK के भी कुछ क्वेश्चन तैयार होते जाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज का ये वीडियो पूरा पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग सूचना देने वालों के लिए कितनी राशि के इनाम की घोषणा की है? 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख या फिर 75 लाख? दोस्तों, जवाब जानने से पहले जानते हैं कि सेबी क्या है। सेबी, SEBI, दोस्तों सेबी हमारे भारत की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहलाती है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इन्होंने अभी अभी हाल ही में एक घोषणा की है कि यदि कहीं पे भी चोरी छुपे इनसाइडर ट्रेडिंग की हो रही है तो इसकी सूचना देने वालों को उसे 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा और उसकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 करोड़। दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला, राजीव गौतम, संजय मित्र या फिर अनुपम सिंह? दोस्तों, भारत का कैबिनेट सचिव राजीव गौतम को नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों विकल्प बी, राजीव गौतम। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत के नए गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला, राजीव गौतम, संजय मित्र या फिर अनुपम सिंह? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अजय कुमार भल्ला, विकल्प ए, अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव के रूप में अजय कुमार भल्ला और कैबिनेट सचिव के रूप में राजीव गौतम, जो हमने पहले बताया। दोस्तों, जो नियुक्तियां होती हैं या MD CEO होती हैं उसके नाम आप लोग जरूर ध्यान रखे जाइएगा एग्जाम में। और मैं कहूँगा यही कि आप लोग एक पेज में इसे अलग से नोट्स बनाइए और उसका रिविजन करते रहिए हमें डेली, ठीक। तो आज का अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? रवि शास्त्री, आर श्रीधर, विक्रम राठौर या फिर WR? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में, ठीक। तो इस समय जो अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच वह है विक्रम राठौर को नियुक्त किया गया है, इसका सही जवाब होगा विकल्प सी। और रवि शास्त्री की बात करूँ तो वह भारतीय टीम के हेड कोच हैं और आर श्रीधर भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच हैं, ठीक। और WR भारतीय महिला कोच के हेड कोच हैं। दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है? अमेजन, पेटीएम, जाबोंग या फिर स्नैपडील? दोस्तों, अभी अमेजन ने हैदराबाद में, कहाँ पे? हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है, इसका सही जवाब होगा दोस्तों विकल्प ए। अब अमेजन की बात करते हैं तो अमेजन के बारे में दो तथ्य आपको बता देते हैं। अमेजन के जो CEO हैं वह जेफ बेसोज हैं, अमेजन के CEO जेब बेसोज हैं और इसका मुख्यालय CTL अमेरिका में है। दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य के जनजाति विभाग ने सुपर 50 कार्यक्रम लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने के जनजाति विभाग ने सुपर 50 कार्यक्रम लॉन्च किया है। अब सुपर 50 कार्यक्रम के बारे में आपको बता दूँ कि यह महाराष्ट्र के आदिवासी और जनजाति विद्यार्थी युवा विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल से संबंधित तैयारियां कराई जाएगी। दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, सरल इंडेक्स में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? कर्नाटक, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश? दोस्तों, सरल इंडेक्स में कर्नाटक राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। अब सरल का फुल फॉर्म बता देता हूं आपके, ये हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्शन होता है, स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्शन। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पुष्किन पदक 2019 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, अब पहले बात करते हैं कि पुष्किन पदक के बारे में। दोस्तों, पुष्किन पदक रूस का एक पदक है, कहाँ से संबंधित है? रसिया से। पुष्किन पदक रूस का एक सम्मान है जो कि विद्वानों को दिया जाता है। तो और यह जो 2019 का अवार्ड है वह JNU की प्रोफेसर मीता नारायण जी को दिया गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों विकल्प ए, मीता नारायण। पुष्किन पदक 2019 से मीता नारायण को सम्मानित किया गया है, यह रसिया का पुरस्कार है, ऐसे विद्वानों को दिया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर चिप का अनावरण किया है? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर चिप का अनावरण, गूगल, सेरेब्रन सिस्टम,
HCL या फिर माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सेरेब्रम सिस्टम। सेरेब्रम सिस्टम ने दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर चिप का अनावरण किया है। और अब हम आपको बता देते हैं सेरेब्रम सिस्टम के बारे में। सेरेब्रम सिस्टम के जो CEO हैं वह एंड्रयू फेल्डमैन हैं, एंड्रयू फेल्डमैन। और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। चार फैक्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर चिप का अनावरण सेरेब्रम सिस्टम ने किया था और इसका स्थापना 2016 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया USA में है और इसके जो CEO हैं एंड्रयू फेल्डमैन हैं। दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको ड्रॉपबॉक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और इन सब Gmail और यूट्यूब इन सब के CEO के नाम आप लोग जरूर ध्यान मतलब याद करके जाइएगा किसी भी एग्ज़ाम में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले एग्ज़ाम क्वेश्चन की तरफ। 2023 तक के लिए BCCI का स्पॉन्सरशिप अधिकार किसे मिला है? रिलायंस, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, वीवो। दोस्तों इसका सही जवाब होगा पेटीएम। 2023 तक के लिए BCCI का स्पॉन्सरशिप अधिकार पेटीएम को मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बताना देना चाहता हूँ कि पेटीएम की बात हुई थी, पेटीएम के जो संस्थापक हैं वह विजय शेखर शर्मा हैं और इसका मुख्यालय नोएडा में है। ठीक दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश को FATF ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नाइजीरिया। दोस्तों FATF बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसे लगभग 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं और आप मैं तो कहूँगा कि आप लोग इसे जरूर नोट कीजिएगा और इसे एग्ज़ाम में जरूर याद करके जाइएगा। दोस्तों पाकिस्तान देश को FATF ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, इसका सही जवाब होगा विकल्प ए पाकिस्तान। अब बात करते हैं कि FATF क्या है। दोस्तों FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसे GAFI भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम GAFI भी है, इतना ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना जो थी वह 1889 में हुआ था दोस्तों, पेरिस, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, पेरिस को फ्रांस की राजधानी भी कहते हैं। ठीक तो इतनी चीज़ें सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, FATF स्थापना 1989 में, हेडक्वार्टर पेरिस में। इसको जो प्रेसिडेंट है इस समय जियांगमिन लियू। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले ह्यूमेनॉइड रोबोट फेडोर को ISS भेजा? रूस, चीन, भारत, अमेरिका। दोस्तों हाल ही में रूस ने अपने पहले ह्यूमेनॉइड रोबोट फेडोर को ISS भेजा, इसका सही जवाब होगा दोस्तों रूस। अब रूस की बात करते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, वहाँ की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाला अभिनेता कौन बना है? ड्वेन जॉनसन, क्रिम्स हेम्सवर्थ, रॉबर्ट डाउनी, अक्षय कुमार। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ड्वेन जॉनसन दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर बन गए हैं। और अगर दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर के क्रिस हेम्सवर्थ हैं, तीसरे नंबर पे रॉबर्ट डाउनी हैं और चौथे नंबर पे एकमात्र भारतीय अक्षय कुमार हैं। तो अगर भाई तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाले एकमात्र अभिनेता कौन हैं, तो वह हैं अक्षय कुमार। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस चैनल की CEO सुपर्णा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है? NDTV, News24, आज तक न्यूज नेशन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है लेकिन हो सकता है ग्रुप डी वगैरह में पूछ ले, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपके लिए। इसका सही जवाब होगा दोस्तों NDTV। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मानव रहित युद्धपोत लॉन्च किया है जो युद्ध के लिए तैयार है? भारत, चीन, अमेरिका, रूस। दोस्तों हाल ही में चीन देश ने मानव रहित युद्धपोत लॉन्च किया है जो युद्ध के लिए तैयार है। दोस्तों अगला प्रश्न है, UIDAI ने किस राज्य में 5वीं आधार सेवा केंद्र का संचालन शुरू किया है? कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हरियाणा। UIDAI ने हरियाणा राज्य में 5वीं आधार सेवा केंद्र का संचालन शुरू किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ई कॉमर्स कंपनी पर आधारित पुस्तक बिग बिलियन स्टार्टअप का विमोचन अक्टूबर में होगा? बिग बिलियन स्टार्टअप, फ्लिपकार्ट। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका 2+2 बैठक कहाँ आयोजित होगी? ये भी हो सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाए, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कैलिफोर्निया। भारत अमेरिका 2+2 बैठक कैलिफोर्निया में आयोजित होगी और भारत की तरफ से इसमें गौरांग लाल दास भाग लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा इनका नाम। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, खेल मंत्री किरेन रिजिजू की अध्यक्षता में फिट इंडिया मूवमेंट अभियान के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट अभियान के अध्यक्ष कौन है? वह किरण रिजिजू हैं, खेल मंत्री। ठीक
तो मैं फिर से बोलता हूँ, सबसे पहले पूछता है कि खेल मंत्री कौन है, तो वह है किरण रिजिजू। किसकी अध्यक्षता में फिट इंडिया मूवमेंट अभियान का ये गठन किया गया? खेल मंत्री किरण रिजिजू की अध्यक्षता में। कितने सदस्यीय समिति का गठन दोस्तों? 28। इसका सही जवाब होगा विकल्प ए 28। दोस्तों अगला प्रश्न है, गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका सही जवाब होगा गोवा, गोवा के पणजी में 24वीं आंचलिक परिषद की बैठक की गई। दोस्तों ये तो 23 और 24 तारीख के प्रमुख करंट अफेयर थे। दोस्तों मैंने कल आपसे एक दो क्वेश्चन पूछा था, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नाहवा सेवा भी इसे कहते हैं। ठीक, तो अब कल मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो उसका सही जवाब होगा दोस्तों संत रविदास। ठीक, और दादोजी कोंकदेव जो हैं वह शिवाजी के गुरु का नाम था। दोस्तों अगला प्रश्न है आज के लिए, समुद्री ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में लाने के लिए प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी है? नीति आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय विद्युत मंत्री या फिर राष्ट्रपति ने? दोस्तों आज का अगला प्रश्न है आज के लिए, स्पोर्ट्स बिजनेस कंपनी के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा एथलीट कौन है? विराट कोहली, नौमी ओसाका, रहीम स्टर्लिंग, जायन विलियमसन। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ बहुत ही कम लोग आंसर देते हैं इसका, और जो आंसर देते हैं हालांकि उनके आंसर बिल्कुल सही होते हैं, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग सही तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे हैं और भगवान आपकी जल्द ही सक्सेस दें। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन के आंसर दिया करिए, अपने नोट्स बनाइए। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको करंट अफेयर के PDF भी चाहिए और अन्य प्रकार के PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और वहाँ से सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।